नवाबों की नगरी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों के क्रम में शासन प्रशासन स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पीएम 28 जुलाई को ग्राउंड सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आने वाले हैं, लेकिन वह यहाँ रुकेंगे या नहीं इस पर अभी संशय बना हुआ है। वहीं अधिकारी भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आवास मंत्री एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे, जहां 500 से ज़्यादा अधिकारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। 28 जुलाई को पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू के तहत 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम समेत देशी विदेशी अतिथियों को लाने और ले जाने के लिए 500 गाड़ियां किराए पर ली जाएंगी और पूरे शहर को LED लाइट से सजाया जाएगा। इसके साथ ही भव्य स्वागत के लिए प्रमुख इमारतों एवं तय रूट पर लगे खंभों LED लाइट से रोशन किया जाएगा। दायित्व के आधार पर होगा पास का रंग। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के मुताबिक प्रवेश के लिए लाल, पीले, भूरे, सफ़ेद, आसमानी और गोल्डन कलर के पास तैयार किए गए हैं। आयोजन से जुड़े विभागीय अफसरों और कर्मियों को सफ़ेद पास, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आसमानी पास और मीडिया के लिए भूरे रंग के पास जारी किए गए हैं। इसी के साथ अतिथियों को गोल्डन पास जारी कर उनका प्रवेश गेट नंबर 2 से कराया जाएगा, जबकि एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई और बिजली की व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले अफसरों को अलग रंग का पास जारी किया जाएगा। लोहिया और SGPGI होगा सेफ हाउस। जिलाधिकारी के अनुसार कार्यक्रम स्थल के समीप स्थित लोहिया अस्पताल और SGPGI में प्रधानमंत्री के लिए सेफ हाउस बनाया जाएगा। इसी के साथ एयरपोर्ट और मेट्रो के अलावा फ्लीट के रूट से सटे हुए इलाकों में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। भले ही पीएम लखनऊ में चंद घंटे बिताने वाले हैं, लेकिन उनके प्रवास के दौरान कोई कमी न रह जाए इसको लेकर पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने व्यापक प्लान तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान दोनों दिनों में एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सुरक्षा किले सरीखी होगी। सुरक्षा को लेकर ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसी बीच राजधानी की बदहाल ट्रैफिक का असर पीएम के कार्यक्रम पर ना पड़े, इसके लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी कमर कस रखी है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाए गए पुलिस बल का विवरण। पुलिस अधीक्षक 9, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 30, पुलिस उपाधीक्षक 71, निरीक्षक 81, उप निरीक्षक 519, महिला उप निरीक्षक 38, हेड कांस्टेबल 292, कांस्टेबल 3010, महिला कांस्टेबल 218, PSC 13 कंपनी 1 प्लाटून। यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 3, क्षेत्राधिकारी 6, यातायात निरीक्षक 12, यातायात उप निरीक्षक 350, हेड कांस्टेबल 500, कांस्टेबल 1100। बता दें कि उपरोक्त पुलिस बल के साथ QRT की 20 टीमें, LIU टीमें, स्ट्राइकिंग फोर्स और अन्य पुलिस बल भी सक्रिय रहेगा। वहीं विभिन्न महानुभावों के लिए NSG SPG कवर की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही CISF ATS की मदद भी ली जाएगी व फायर फाइटर की भी पूर्ण व्यवस्था रहेगी। न्यूज टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।